नमस्कार, हेलो फूडीज, कम लेट्स कुक विद जैकलिन। आज हम बनाते हैं चाइनीज़ एग पोहा। चलो देखते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स एक पाव उतना पोहा, आधा टीस्पून सोया सॉस, आधा टीस्पून टमाटो सॉस, आधा टीस्पून मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून रेड चिली सॉस, आधा टी स्पून ग्रीन चिली सॉस और फाइनली चॉप्ड थोड़ा कैरेट, थोड़ा कैप्सिकम, थोड़ा प्याज और अंडा आपके हिसाब से ले लीजिए। अभी देखते हैं कैसे बनाना है। स्टोव पे कढ़ाई रख के, कढ़ाई गर्म होते ही 2 टेबल स्पून तेल डालिए। प्याज डालिए, इसी में कैरेट और कैप्सिकम भी ऐड कर लीजिए। अभी ये लो फ्लेम में फ्राई होने तक हम पोहा को वॉश कर लेते हैं। अब इसमें पोहा डाल लेते हैं जो वॉश करके रखा था। अभी इसमें काली मिर्च, मिर्च पाउडर और नमक डाल के सोया सॉस, टमाटो सॉस, रेड एंड ग्रीन चिली सॉस डाल के मिक्स कर लीजिए। लिड लगा के 5 मिनट के लिए पका लें। अभी स्क्रम्बल एग के लिए एक पैन रख के मैंने थोड़ा ऑयल डाल लिया है। इसमें थोड़ा पेपर पाउडर, छिटकी नमक डाल लीजिए। अब इस एग को पोहा में मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पोहा भी अच्छी तरह से पक चुका है। अभी थोड़ा हरा धनिया डाल लेते हैं। देखिए कितना खिला खिला हुआ अपना पोहा रेडी हो चुका है। अब चाइनीज़ एग पोहा रेडी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक यू।